Hello friends, a very good evening. This is Rahil Mohammed, your host, and you're watching me on Kunwa Times Pune. So the reason why I'm live today is to inform you about the new guidelines that will be applicable for Pune City from Monday 14th June onwards. So Pune Mahanagar Palika ne kuch naye aadesh jari kiye hai jo Monday 14 June se applicable honge. तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितने बजे तक चालू रहेगी. सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एसेंशियल शॉप्स और नॉन एसेंशियल शॉप्स जो पहले 4 बजे तक चालू रहती थी, अब वो 7 बजे तक चालू रह पाएंगी. सो ऑल एसेंशियल शॉप्स वुड बी ओपन टिल 7 PM फॉर द एंटायर वीक फ्रॉम मंडे टू संडे. नॉन एसेंशियल कैटेगरी वाले जो शॉप्स है वो मंडे टू फ्राइडे 7 बजे तक चालू रहेंगे. और जो भी लाइब्रेरीज़ है और जो भी स्टडी रूम्स है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे विल बी ओपन विद अ 50% कैपेसिटी. पब्लिक लाइब्रेरीज विल ऑल्सो बी ओपन. सो फॉर पीपल हु आर वेटिंग फॉर मॉल्स टू बी ओपन, सो फाइनली द लोकल बॉडी हैज़ डिसाइडेड टू ओपन मॉल्स however with 50% capacity. so जो malls है वो 50% capacity के साथ शुरू हो जाएगा मंडे से. single screen और multiplex जो है cinema halls वो अभी भी बंद रहेंगे, auditoriums भी बंद रहेंगे. gyms, spa, salon, beauty parlor, wellness center appointment system के साथ 50% capacity में सभी दिन चालू रहेंगे मंडे टू संडे. बट AC यूज़ करना अलाउड नहीं है वहाँ पे. जो एग्रीकल्चर रिलेटेड शॉप्स है, APMC मार्केट है, वो भी शुरू रहेंगे. जो लिकर शॉप्स है, जो वाइन शॉप्स है, वो भी सभी दिन शुरू होंगे. तो रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट अब रात को 10 बजे तक डाइन इन के लिए शुरू रहेंगे 50% कैपेसिटी के साथ. और होम डिलीवरी या पार्सल सर्विस जो है वो 11 बजे तक शुरू होगी. जो लोकल ट्रेन है हमारी वो महिलाओं के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और मेडिकल और एसेंशियल कैटेगरी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए चालू रहेंगे. गार्डन्स, ग्राउंड, जॉगिंग, साइकिलिंग ट्रैक ये सब हर एक दिन शुरू रहेंगे सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक. और दूसरा जो टाइम है सुबह शाम को 4 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक. प्राइवेट ऑफिसेस को 50% एम्प्लॉयज़ के साथ शुरू रहने को परमिशन दिया गया है. जो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और एंटरटेनमेंट फंक्शंस हैं वो भी अलाउ किया गया है मंडे से विद मैक्सिमम 50 पीपल. तो 50 लोगों के ऊपर नहीं हो सकते हैं. वेडिंग सेरेमनीज़ में 50 लोगों की परमिशन है. फ्यूनरल प्रोग्राम में 20 लोगों की परमिशन है. ई कॉमर्स सर्विसेज सभी अलाउड है. तो कोई भी जगह पर जो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स में आता है 5 से ज़्यादा लोग गैदर नहीं कर सकते हैं. और 10 बजे के बाद से एक कर्फ्यू होगा जिसमें सिर्फ वैलिड रीज़न और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही आप ट्रैवल कर पाओगे. जो PMT की बसेस है वो अब 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी. और अगर आप प्राइवेट व्हीकल में निकल रहे हो बाहर तो 3 लोगों से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. ई पास की अब ज़रूरत नहीं है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल के लिए. अगर आप कोई लेवल 5 डिस्ट्रिक्ट पे जाने वाले हो तो आपको ई पास लगेगा. तो फ़िलहाल के लिए यही ऑर्डर्स आए हैं. आई होप आप सबको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के थ्रू मिल गई है. एंड और एक बात, लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने बोला था कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो उसका ये रीज़न था कि अगर मैं फटाफट बोलूँगा या इफ़ आई स्पीक लाइक अ ट्रेन पीपल वोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं फास्ट फास्ट बोलूँगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा. यही रीज़न है कि मैं धीरे धीरे इस चीज़ों के बारे में बताता हूँ. सो शेयर करो आप ये वीडियो सब लोगों के साथ और सारे रूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी इस पेज पर. थैंक यू वेरी मच गाइस. टेक केयर एंड फॉलो ऑल द रूल्स. वंस अगेन थैंक यू.